राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचन के बाद आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जितनी भी आभार यात्रा करेंगे उनकी पार्टी उतनी ही बिहार के लोगों के लिए भार बनती चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी आभार यात्रा करेंगे उनकी पार्टी उतनी ही बिहार के लोगों के ऊपर भार बनने का काम करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यात्रा करें। उनकी पार्टी जहां है आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में उससे भी पीछे जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। वो करते रहें, विपक्ष के लोग हैं, काम है उनका करना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने निशाना साधा है। नितिन नवीन ने कहा कि जिस सड़क पर तेजस्वी यात्रा करेंगे वो सड़कें भी एनडीए सरकार में बनाई गई हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ ही क्या था, सड़क पर गड्ढे थे, स्कूल और अस्पतालों में जानवर रहते थे। आज सड़कें जिस पे वो यात्रा करेंगे उनके समय पिताजी के गड्ढे मिलते थे, भूल गए। जब यात्रा करेंगे तो उनको ये ध्यान में आएगा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता था, पहले थानों में क्या स्थितियां रहती थी, लोग थाने का में केवल धंधा चलता था। और आज अगर अस्पतालों में जाएंगे तो उनके पिताजी के समय में जानवर वहां मिलते थे, आज अस्पतालों में मरीज हैं और दवाइयां हैं। ये अंतर है नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में। रोहतास के डेहरी को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किया। सीएम ने श्रम विभाग की ओर से संचालित सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन और निरीक्षण किया है। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार इसके बाद भैसीही पंचायत के बस्तीपुर में बिहार सरकार की ओर से कई योजनाओं पर लगाए गए स्टॉल का भी जायजा लिया और इसके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे रहे, लेकिन सीएम की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो वो मायूस दिखे। आए और अपने कुछ खास लोगों से चेहरा दिखा के चले गए। हजारों लोग यहाँ खड़े थे, आप पूछ लीजिए, हजारों लोगों से कोई भी वो सीएम का चेहरा तक नहीं देखा। वो आए भी और चले गए, कोई से मिले नहीं। और लोग आए हैं दुख सुनाने के लिए अपने जो है मुख्यमंत्री से, लोगों की दुख नहीं सुने, लोगों से भेंट नहीं किए, लोगों को जो है चेहरा नहीं दिखाए। बिल्कुल सफल रहा सीएम साहब की आगमन का मतलब होता है कि विकास की एक कड़ी और जुड़ती है। देखिए जब भी मुख्यमंत्री जी किसी जिला में जाते हैं तो उनकी पूरी जिले की कई चीज़ें उनके मस्तिष्क में घूमते रहता है और आने का मतलब है कि नई सौगात।